वेरी गुड आफ्टरनून एवरी वन. एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? हाँ जी, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. हेलो कंचन, भास्कर, प्रियंका, सुशील, सिमू जी, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून जी. कैसे हैं आप लोग? थैंक यू गाइज आपकी शुभकामनाओं के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. ओके जी, चलिए तो आज के पोर्शन में हम बात करने वाले हैं सेल कम्युनिकेशन के बेसिक्स के बारे में. जिन्होंने नहीं पढ़ा है इससे पहले, उनको उनका बेसिक्स क्लियर होगा. जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए रिवीजन की तरह ये काम करेगा, ठीक है? यस, बिकॉज प्लस में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ा चुकी हूँ, यहाँ पे मैं दैट इज़ यूट्यूब पे मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रही हूँ जी. मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं? ऑल वेल? ओके, आई थिंक वी शुड स्टार्ट, राइट? तो ये होगा सेल कम्युनिकेशन. इसके बाद फ्राइडे को मैं सेल कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है? तो चलिए फिर शुरू करते हैं. मेरा नाम है ज्योति कुमारी और आप मुझे जो है प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं, अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे. वहाँ पे आपको मेरे रेगुलर बेसिस पे कुछ फ्री क्लासेस मिलेंगी, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप मुझे प्लस में भी आकर ज्वाइन कर सकते हैं. ओके जी, बिल्कुल एक नया चैनल है अनन्या, बिल्कुल एक नया चैनल है, ठीक है? मेरे नाम को सर्च कर लीजिएगा, आगे अन अकेडमी लिख कर मिल जाएगा वो. ओके चलिए तो शुरू करते हैं. तो सबसे पहले बात आती है दैट इज सेल कम्युनिकेशन के बेसिक्स की. अच्छा, यहाँ पे मैं एक आपको सजेशन भी दे देना चाहती हूँ. जो भी बच्चे सेल कम्युनिकेशन टारगेट करते हैं, उनके लिए ये एक सजेशन रहता है कि सेल बायो भी साथ में टारगेट करें. यानी अगर आप टारगेट कर रहे हैं यूनिट नंबर 4 जो कि है सेल कम्युनिकेशन, तो साथ साथ में आपको यूनिट नंबर 2 भी टारगेट करना पड़ेगा, जो कि होता है सेल बायोलॉजी. ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं? क्योंकि सेल बायोलॉजी में सेल क्या है, कैसे बिहेव करता है, कैसे चीज़ों को एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रांसपोर्ट करता है, कैसे सारे के सारे मेम्ब्रेन प्रोटीन अरेंज होते हैं, ये सभी के बारे में आप पढ़ते हैं. उन्हीं प्रोटीन का कम्युनिकेशन आप सेल कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं. तो अगर आपकी सेल बायोलॉजी स्ट्रांग नहीं है, वीक है, तो आपको फिर सेल कम्युनिकेशन पढ़ने में दिक्कत आती है. ये एक सब्जेक्ट ऐसा है जो कि साथ साथ चलता है. ऑल दो लाइक बायोकेमिस्ट्री भी है, इसके अलावा टेक्निक्स, ये सब प्रोसेस भी साथ साथ में ही चल रहे होते हैं, लेकिन इन दोनों का रिलेशन काफ़ी ज़्यादा क्लोज है. इसलिए अगर आप इनमें से कोई एक टारगेट कर रहे हैं, तो दूसरा वाला भी आपको पक्का टारगेट करना चाहिए. और इन दोनों को मिला के आराम से आप 70+ नंबर ईजिली जो है वो स्कोर कर सकते हैं इन दोनों पोर्शन से ही. इसलिए कभी भी एक का सिलेक्शन नहीं करना है कि हाँ सेल बायोलॉजी कर लिया, सेल सिग्नलिंग नहीं करेंगे, या सेल सिग्नलिंग करेंगे, सेल बायोलॉजी नहीं करेंगे. अगर आप एक को समझ सकते हैं, तो दूसरे वाले को पक्का समझ लेंगे, क्योंकि समहाउ सारा का सारा चीज़ें इंटर रिलेटेड होती हैं. ठीक है, ठीक है विश्वा, आई विल ट्राई, नेक्स्ट मंथ में ट्राई करूंगी. एंजाइम लिंक भी आपको पढ़ा दिया जाए, ठीक है? ओके, बुक की बात करूं तो बुक आप बहुत सी बुक है, दैट इज एल्बर्ट है. अभी फिलहाल में मैं सेल बायोलॉजी सेल सिग्नलिंग दोनों पढ़ा रही हूँ. एल्बर्ट है, लॉर्डिश है, कूपर है, कार्प है, इनमें से कोई भी प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि कुछ पोर्शन यहाँ पे बेस्ट दिए हुए हैं, कुछ यहाँ पे बेस्ट दिए हैं, कुछ यहाँ पे बेस्ट दिए हैं, तो कुछ यहाँ पे बेस्ट दिए हैं. मतलब एक बुक में सब कुछ बेस्ट नहीं दिया है, ये तो मतलब मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ. एक बुक में सब कुछ बेस्ट नहीं दिया है, यहाँ पे किसी चीज़ को 5% बता रखा है, तो यहाँ पे 15% बता रखा है, जो कि इम्पॉर्टेंट हो ही सकता है. तो कोई एक बुक सेल बायोलॉजी के लिए जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, उतना ज़्यादा सफिशिएंट नहीं रहती है. लेकिन आप अगर सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कोई एक बुक प्रीफर कीजिए, एल्बर्ट प्रीफर कर लीजिए बस, ठीक है जी? मैं दोनों यूनिट कवर करती हूँ प्लस पे. ओके, तो वी आर स्टार्टिंग विथ बेसिक्स, ठीक है, कि सेल कम्युनिकेट कैसे करते हैं. सबसे पहली बात आती है सेल के कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है. एक सेल है मान लीजिए, ठीक है, और ये है दूसरा सेल, दिस इज अ सेकेंड सेल, दिस इज अ फर्स्ट सेल. कम्युनिकेशन का मतलब होता है ये सेल आपस में इंट्रैक्शन कैसे करते हैं. अब हमारी तरह इनके पास स्पीच तो है नहीं कि बात करके जो है एक का इन्फॉर्मेशन दूसरा ले लेगा, दूसरे का इन्फॉर्मेशन पहला वाला ले लेगा, ऐसा तो होता नहीं है. तो ये सेल आपस में कम्युनिकेट करते हैं. ये कम्युनिकेशन क्या करता है, ये कम्युनिकेशन
आगे प्रोसेस को बढ़ाने में या फिर रिस्पॉन्स क्रिएट करने में हेल्प करता है। क्योंकि वेरी ऑब्वियस, खुद सोचिए ना, बॉडी में ग्रोथ हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्स कहीं ना कहीं से इंस्ट्रक्शन मिलता होगा। तो एक सेल इंस्ट्रक्शन देता है, दूसरा सेल रिसीव करता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये सेल इंस्ट्रक्शन दे रहा है, फर्स्ट सेल जो है वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो बात आती है, तो इस सेल को हम नाम क्या देंगे? इस सेल को हम बोलेंगे दैट इज सेंडर सेल, ठीक है? और जिस फॉर्म में ये इंस्ट्रक्शन देता है, उस इंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं लाइगेंस या लिगेंस, जो भी आप कह सकते हैं। ये लिगेंस क्या होते हैं? दैट इज दे आर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, क्योंकि सेल कम्युनिकेशन को हम सेल का सिग्नलिंग भी कहते हैं, सिग्नल देना। तो लिगेंस क्या करते हैं यहाँ पे, एक्चुअल में ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की तरह काम करते हैं, यानी सिग्नल देने का काम करते हैं। चलिए ठीक है, ये सिग्नल देने का काम कर रहे हैं, बट ये जो सेकेंड सेल यहाँ पे है, इसके पास रिस्पॉन्ड करने के लिए कुछ होना चाहिए, राइट? इन सेल के पास रिस्पॉन्ड करने के लिए कुछ होना चाहिए। जो चीज़ रिस्पॉन्ड करने के लिए होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रिसेप्टर। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है दैट इज टारगेट सेल पे, जिसको कि हम रिसीवर सेल भी कहते हैं। तो एक सेल ऑब्लिक एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, जरूरी नहीं है जो सेंडर हो वो हमेशा एक सेल हो, ये एक एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट भी हो सकता है, एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया से भी ये लिगेंस आ सकते हैं। तो कहने का मीनिंग क्या होगा? सिंपल सी बात है, मान लीजिए एक सेल का सरफेस है, ये इस सरफेस के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट है, इस रिसेप्टर का नेचर भी प्रोटीन होता है, ठीक है? प्रोटीन ऑब्लिक प्रोटीन के साथ कुछ यहाँ पे शुगर मॉइटी भी मिक्स रह सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर जो रिसेप्टर होता है, ये भी क्या करेगा? ये रेसिपिएंट की तरह काम करेगा, किसके लिए? लिगेंड के लिए, जो यहाँ पे आ रहा है। इस लिगेंड को रिसीव करने के बाद क्या करेगा? अंदर की तरफ डाउन स्ट्रीम में, ये डाउन स्ट्रीम में अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। कैसे एक्टिविटी को परफॉर्म करता है? डाउन स्ट्रीम में बहुत से प्रोटीन का एक्टिवेशन करता है, ये प्रोटीन कह सकते हो आप, इफेक्टर कह सकते हो। ठीक है, अब ये इफेक्टर क्या करेगा? ये अपने टारगेट प्रोटीन को एक्टिवेट करवाएगा, वो टारगेट प्रोटीन क्या करेगा? अपने टारगेट प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। और इसी तरीके से क्या होगा? इसी तरीके से सारा का सारा, यानी एक लास्ट स्टेज में माइट बी न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? एक प्रोटीन एंटर करेगा जो जीन का ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, और जीन के ट्रांसक्रिप्शन के बाद प्रोटीन बनवाएगा। अब बात आती है कौन सा प्रोटीन? वो प्रोटीन जिसका इंफॉर्मेशन ये लिगेंड लेकर आया था, उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो प्रोटीन होगा वो बनकर रेडी हो जाएगा। यानी फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है सिग्नलिंग का? दैट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ पे पहला स्टेप अगर मैं बोलूँ, तो क्या किया जा रहा है? रिसीव किया जा रहा है, ठीक है? सेकेंड का किया जा रहा है ट्रांसड्यूस। ट्रांसड्यूस का मतलब क्या होता है? ये जो नीचे की तरफ ट्रैवल करवा है, दैट इज अ ट्रांसड्यूस। एंड थर्ड ऑप्शन क्या होता है? दैट इज रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स यानी ये जो आप देख रहे हो कि न्यूक्लियस के अंदर जाकर प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, दैट इज वॉट कॉल दी रिस्पॉन्स। तो किसी भी सिग्नलिंग को सक्सेसफुल होने के लिए ये तीन प्रोसेस जरूरी होता है, दैट इज रिसीव करना, ट्रांसड्यूस करना एंड रिस्पॉन्स क्रिएट करना, तभी एक पर्टिकुलर सिग्नलिंग पाथवे सक्सेसफुल होता है। सेल में चाहे ग्रोथ हो, प्रोटीन सिंथेसिस हो, किसी का एक्टिवेशन हो, किसी का डीएक्टिवेशन हो, जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, मैक्सिमम आर डिपेंडेंट अपॉन सेल सिग्नलिंग, जिसको कि हम सेल कम्युनिकेशन ऑब्लिक सेल इंट्रैक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी सौम्या, आपको मिल जाएंगे लेक्चर्स। ठीक है, ये था बेसिक्स आपका। अब बात आती है कि नॉर्मल यहाँ पे दो क्वेश्चन जो अराइज होते थे कि लिगेंस कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको बता दिया कि लिगेंस को भेजने वाले क्या हो सकते हैं? सेंडर सेल हो सकते हैं, सेंडर सेल हो सकते हैं, या फिर वो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट हो सकता है, एक्सटीरियर इन्वायरमेंट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है
कि इस लाइगेंड के लिए रिसीव करने वाला कौन रहेगा, रिसीव करने वाला रहेगा दैट इज योर रिसेप्टर। इस बात को आपको याद रखना है कि रिसेप्टर और लिगेंड का जो नेचर होता है यानी जो बाइंडिंग एफिनिटी होती है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है, ठीक है। दिस इज़ अ स्पेसिफिक बाइंडिंग, ये नहीं कि हाँ किसी के साथ कोई भी आकर बाइंड कर गया, ठीक है, क्योंकि सबके पास एक स्पेसिफिसिटी होती है, उसी के अकॉर्डिंग ये बाइंड करते हैं। फाइन, ओके, तो ये हो गई लिगेंड की बात और रिसीवर की बात। लिगेंड वैसे हो क्या क्या सकते हैं, किस किस को हम लिगेंड बोल सकते हैं, हार्मोन हो सकते हैं ये, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स हो सकते हैं, ये प्रोटीन्स हो सकते हैं, ठीक है, ये लाइट हो सकता है, या कोई भी मतलब सेंस करने वाली चीज़, मतलब ये कुछ एग्जांपल है ईटीसी। और भी बहुत से एग्जांपल आपको मिलेंगे लिगेंड्स के तौर पे, यानी जो सिग्नल को क्रिएट करेगा उसी को हम बोलते हैं लिगेंड, और इसी को हम बोलते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, जो सिग्नल को क्रिएट करेंगे ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ओके आयुष, मैं देख लूँगी, एक्चुअली मैं 25th के बाद देख लूँगी, ठीक है, मेरा थोड़ा सा अभी स्केड्यूल मेरा बहुत ज़्यादा टफ चल रहा है तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है बच्चों के मैसेजेस देखने का। प्लीज़ वेट कर लीजिए, मैं 25th के बाद सारे मैसेजेस का रिप्लाई दे दूँगी, ठीक है। ओके, तो ये हो गई बेसिक्स की बात कि लिगेंड्स कैसे काम करते हैं एंड रिसीवर ऑब्लिक रिसेप्टर कैसे काम करते हैं। अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ सिग्नलिंग के बारे में, ठीक है, हमने बोल लिया कि सिग्नलिंग होती है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि कितने टाइप की सिग्नलिंग होती है, ठीक है। टाइप्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, मोड ऑफ सिग्नलिंग, ठीक है, पहला जो मोड होता है दैट इज दी ऑटोक्राइन कहा जाता है, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में जो सेल सिग्नल को प्रोड्यूस करता है वही सेल सिग्नल के लिए रिस्पॉन्ड भी कर रहा होता है। ऑटो वर्ड ऑटो दैट इज सेल्फ, खुद के लिए खुद ही सिग्नल देता है। अभी मैंने आपको रिसीवर और सेंडर का कंसेप्ट बताया था, यहाँ पे खुद ही प्रोड्यूस करते हैं और खुद ही रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना के समझाऊँ तो आई गेस बहुत बेटर ढंग से समझ में आएगा। सपोज कीजिए दिस इज अ सेल, ठीक है, ये कुछ यहाँ से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को सिक्रीट कर रहा है, दिस इज अ लिगेंड जिसे हम बोलते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल एंड दिस इज अ सेल। इसके बाद ये क्या करेगा, यही सेल खुद ही इसको रिसीव करने के लिए रिसेप्टर भी एक्सप्रेस करेगा, ऑब्लिक डायरेक्टली इसको क्या करेगा, रिसीव कर लेगा, ठीक है, डायरेक्टली इसको रिसीव कर लेगा, और ये जो लिगेंड्स है क्या करेंगे, ये अपने ही सेल के सरफेस के ऊपर जाकर बाइंड करेंगे, और ये जो रिस्पॉन्स होगा उस रिस्पॉन्स से ये हो सकता है इस लिगेंड का कंसनट्रेशन भी बढ़ा दे या फिर कोई और एक्स वाई जेड रिस्पॉन्स क्रिएट कर दे। क्या किया, लिगेंड भी खुद किया यानी ऑटो तरीके से, यानी खुद किया लिगेंड्स का भी प्रोडक्शन खुद किया, और जो रिस्पॉन्स था रिस्पॉन्स ऑब्लिक रिसीव करना उसको भी क्या किया, खुद किया। इसको हम बोलते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, कौन कौन सा एग्जाम्पल देखने को मिलता है, दैट इज टी सेल के केस में आपको एग्जाम्पल देखने को मिलता है। टी सेल क्या करते हैं, टी सेल जब एंटीजन को इनकाउंटर करते हैं तो कुछ ऐसे फैक्टर्स का सिक्रीशन करते हैं जो कि टी सेल के ही पॉपुलेशन को और बढ़ा देता है और उनके सबसेट का सिक्रीशन और ज़्यादा कर देता है। दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। सेकेंड अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, दैट इज कैंसर सेल, ठीक है, कैंसर सेल क्या करते हैं, कैंसर सेल बहुत ज़्यादा, ये फेमस कोट है कि कैंसर सेल स्पेसिफिकली ऑटोक्राइन सिग्नलिंग को यूज करते हैं। ये क्वेश्चन भी आ रखा है, डिफरेंट एग्जाम में आ रखा है कि कैंसर सेल एक्चुअल में कौन से मोड ऑफ सिग्नलिंग को ज़्यादा फेवर करते हैं, तो दे आर ऑटोक्राइन। क्यों, क्योंकि कैंसर सेल को हम क्या बोलते हैं, इमोर्टल है, अमर है, यानी वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहते ही नहीं है, सारी चीज़ें वो खुद करते हैं,
तो खुद ही वो फैक्टर बनाते हैं और खुद ही उस फैक्टर के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, इसीलिए इनके पाथवे को रोकने के लिए किसी भी चीज़ को टारगेट करना मुश्किल हो जाता है। तो टी सेल का प्रोलीफरेशन, ठीक है, टी सेल का प्रोलीफरेशन, कैंसर सेल का जो सिग्नलिंग होता है वो, दोनों का दोनों ये ऑटोक्राइन सिग्नलिंग पाथवे की हेल्प से होता है। ठीक है, यस, इज दिस क्लियर? इनकाउंटर का मतलब होता है कि कैसे इसको बोलेंगे, इनकाउंटर का मतलब मान लीजिए आपकी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर किया है, तो टी सेल क्या करेगा, उसको सबसे पहले अटैक करेगा। ठीक है, यानी जैसे ही बैक्टीरिया टी सेल को मिल जाएगा, तो टी सेल फिर खुद का प्रोलीफरेशन करेगा बाय सिक्रीटिंग सम ऑफ द फैक्टर जो उसके खुद का ही प्रोलीफरेशन करवाते रहेंगे। ठीक है, ओके, तो ये था पहला टाइप ऑफ सिग्नलिंग। हम मोड ऑफ सिग्नलिंग पढ़ रहे हैं जिसमें चार मोड आते हैं, चारों मोड का मैं यहाँ नाम लिख देती हूँ, उसके बाद वन बाय वन हम डिफाइन करेंगे। पहला मोड कौन सा था, दैट इज ऑटोक्राइन, जो कि हमने डील कर लिया। सेकेंड मोड होता है, दैट इज पैराक्राइन, ठीक है। थर्ड होता है एंडोक्राइन, फोर्थ क्या होता है, जेक्स्ट्रा क्राइन, ठीक है, यस। तो इस तरीके से हमने चार मोड हैं टोटल, हमने पहला मोड देख लिया। सेकेंड मोड पे स्विच करते हैं, दैट इज पैराक्राइन, ठीक है। पैराक्राइन, पैरा वर्ड का मीनिंग मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, क्योंकि पैरा पैट्रिक स्पीसिएशन भी हमने पढ़ा था। पैराक्राइन सिग्नलिंग में क्या देखने को मिलता है, सेल्स आपस में काफ़ी ज़्यादा क्लोज डिस्टेंस पे प्रेजेंट रहते हैं। ये मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है, और ये एक सेल है, इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, वो बहुत कम होता है, जिसे हम बोलते हैं क्लोज प्रॉक्सिमिटी। क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ये प्रेजेंट रहते हैं, क्यों, क्योंकि जो लिगेंड ये सिक्रीट कर रहे होते हैं, उनके पास डिफ्यूज करने की कैपेबिलिटी होती है। और आपको पता है, कोई भी चीज़ अगर डिफ्यूज होता है, तो वो अपने कंसंट्रेशन डिपेंडेंट मैनर में होता है। ऐसा नहीं है कि बस डिफ्यूज हो रहा है तो हर जगह पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होता है, राइट? क्योंकि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, कंसंट्रेशन कम होता जाएगा। तो जिस मॉलिक्यूल को ये सिक्रीट करते हैं, दिस इज़ अ सेंडर सेल, दिस इज़ अ रिसीवर सेल, ये पर्टिकुलर जो लिगेंड होता है, ये डिफ्यूज़ करने की कैपेबिलिटी रखता है, इसीलिए क्लोज प्रॉक्सिमिटी में सेल का होना ज़रूरी है, ताकि डिफ्यूज़ होके वो क्लोज पहुँचे। बहुत ज़्यादा दूर रहा तो, मान लीजिए कोई सेल यहाँ है, तो वेरी ऑब्वियस ये डिफ्यूज़ होके यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, क्योंकि डिफ्यूजन का कंसेप्ट कैसा बनता है, कि डिफ्यूजन ऐसे चलता है, जहाँ से इसका कंसंट्रेशन हाई है, उसके बाद डिस्टेंस के क्या करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलता है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना कम डिफ्यूजन वहाँ वहाँ पे होगा। तो इस एरिया में आते आते तो डिफ्यूजन ही पूरा का पूरा कम हो जाएगा, जो कि हाईएस्ट पॉइंट से चला था, तो ज़रूरत से ज़्यादा डिफरेंस रहा, दैट इज़ डिस्टेंस में, तो वेरी ऑब्वियस लिगेंड्स वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, पहले ही डिफ्यूज़ हो जाएंगे। तो ये जो रिसेप्टर होता है, ये अपने सेल सरफेस पे क्या करता है, दैट इज़ जो रिसीवर होता है, अपने सेल सरफेस पे एक रिसेप्टर रखता है, और ये लिगेंड्स क्या करते हैं, ये लिगेंड्स आके यहाँ बाइंड करेंगे, उसके बाद सेल के अंदर जो है रिस्पॉन्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग। पैरा का मतलब होता है बिसाइड, ऑब्लिक एडजेसेंट आप कह सकते हो, जस्ट बगल में रहेगा, ज्यादा दूर नहीं रहेगा। इस बात को याद रखना है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी नेसेसरी होता है, ज्यादा डिस्टेंस रहा तो नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके, इसके एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। एनी आइडिया, कोई मुझे यहाँ पे एग्जाम्पल्स देना चाहेगा? कुछ एकाध जीन फैमिली होती हैं जो कि पैराक्राइन सिग्नलिंग के बेसिस पे काम करती हैं। पैराक्राइन सिग्नलिंग के बेसिस पे मतलब वो थोड़ा सा ही डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर सकती है। पहली जो जीन फैमिली है, उसका नाम है क्या, एफ जी एफ फैमिली, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर फैमिली, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है, दैट इज हेजहॉग फैमिली, हेजहॉग फैमिली। हेजहॉग फैमिली में भी क्या होता है, हेजहॉग एक पैराक्राइन फैक्टर होता है, जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ही काम कर पाता है। थर्ड फैमिली कौन सी आती है, डब्ल्यू एन टी फैमिली।
ये भी क्या करती है, ये भी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ही काम करेगी। फोर्थ कौन सा आता है, दैट इज टीजीएफ बीटा सुपर फैमिली। ये भी काफी कम डिस्टेंस में ही काम करेंगे, ठीक है। यस, सो मेक श्योर ये चारों के चारों बेसिस, ये जो यहाँ पे मेंशन होके रखा है, इसका अपना डिटेल चलता है, ठीक है। इस डिटेल को पढ़ना जरूरी है, बिकॉज क्वेश्चंस क्या आते हैं, डायग्राम बना बना के भी अब सीएसआर वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसका डिटेल जरूरी है, तो इसको आपको अपने नोट्स में रेडी रखना है, ठीक है। ऑल्दो प्लेटफॉर्म पे मैं ये चारों की चारों फैमिली को कवर कर चुकी हूँ, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे ये चारों फैमिली को कवर कर चुकी हूँ। हेजहॉग एंड WNT पाथवे डेवलपमेंटल बायोलॉजी में कवर हुआ है, FGF पाथवे सेल सिग्नलिंग में कवर हो चुका है, TGF बीटा सेल सिग्नलिंग में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे एग्जांपल्स हैं, FGF फैमिली, हेजहॉग, WNT, TGF बीटा, ये चारों की चारों फैमिली में आने वाले जो भी लिगेंड्स होते हैं वो पैराक्राइन सिग्नलिंग को शो करते हैं, यानी कम डिस्टेंस पे ही वो काम करेंगे। ज़्यादा डिस्टेंस हो गया दो सेल के बीच में, सो दे आर नॉट गोइंग टू वर्क, ठीक है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैराक्राइन सिग्नलिंग। नेक्स्ट आते हैं किसके बारे में, दैट इज एंडोक्राइन सिग्नलिंग। ये सिग्नलिंग कैसे होती है, एक सेल और दूसरे सेल के बीच में काफी ज्यादा डिस्टेंस का डिफरेंस होता है, ठीक है। एक सेल ये रहा सेंडर सेल और एक सेल कहीं यहां रहता है रिसीवर, तो डिस्टेंस देख रहे हैं कितना ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, जो एंडोक्राइन सिग्नलिंग में जो सिग्नलिंग लिगेंड्स होते हैं, सिग्नलिंग लिगेंड्स को हम क्या कहेंगे एंडोक्राइन सिग्नलिंग में जी, क्या कहेंगे, अगर एक सिंपल भाषा में बोला जाए तो हम एंडोक्राइन फैक्टर कह देंगे। एंडोक्राइन सिग्नलिंग में काम कर रहे लिगेंड्स को हम एंडोक्राइन फैक्टर तो बोल ही सकते हैं, एंडोक्राइन फैक्टर बोल सकते हैं, ये एक जनरल टर्म हो गया ना। तो ये जो एंडोक्राइन फैक्टर होता है वो क्या कर सकता है, उसको ब्लड स्ट्रीम का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि और कैसे पहुँचेगा, ठीक है। विंग्स तो है नहीं कि उड़ उड़ के पहुँचेगा, तो क्या करेगा, ये जो है ट्रैवल करेगा ब्लड स्ट्रीम से, और ट्रैवल करके कहाँ पहुँचेगा, अपने टारगेट लोकेशन पे, ऑब्लिक सेल पे, टारगेट लोकेशन पे पहुँचेगा और वहाँ पे काम करेगा। तो एंडोक्राइन पाथवे से कौन काम करता है बॉडी में, एनी आइडिया, एंडोक्राइन वर्ड आप देख रहे हैं, तो जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है मेनली, दैट इज बॉडी में जो हॉर्मोन का सिस्टम होता है, हॉर्मोन जो होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ही एक एरिया से अपने एक्शन वाले एरिया में जाते हैं और वहाँ पे काम करते हैं। तो एंडोक्राइन वर्ड जो होता है वो एंडोक्राइन सिस्टम के लिए भी स्टैंड होता है, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन का सिक्रीशन करता है एंड हार्मोन का प्रोडक्शन करता है, और हार्मोन्स क्या करते हैं, एंडोक्राइन यानी ब्लड स्ट्रीम के सहारे ही एक एरिया से अपने दूसरे एरिया में पहुँचते हैं जहाँ पे वो अपना मैक्सिमम काम करेंगे, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ एंडोक्राइन सिग्नलिंग। जैसे कि मैंने यहाँ कहा एंडोक्राइन फैक्टर, सिमिलरली बाकी सारे के साथ भी आप ऐसे ही नाम जोड़ सकते हैं, ऑटोक्राइन फैक्टर, ऑब्लिक पैराक्राइन फैक्टर्स, ठीक है। फोर्थ जो टाइप आता है वो कौन सा है, फोर्थ आता है जी कौन सा है, एनी आइडिया बताइए, फोर्थ कौन सा है, दैट इज जक्स्टाक्राइन। जक्स्टाक्राइन को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग। अभी तक किसी में भी कॉन्टैक्ट नहीं था, इनमें क्या होता है, इनमें डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है देख सकते हैं आप, मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है, और ये दूसरे सेल से इंटरैक्ट कर सकता है। डायरेक्टली कनेक्ट कैसे होंगे, इस सेल के जो सरफेस पे जो प्रोटीन है और दूसरे सेल के सरफेस पे जो प्रोटीन है ये आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं,
तो हो गया ना डायरेक्टली कॉन्टैक्ट। ऐसा कॉन्टैक्ट आपने कहीं नहीं देखा अभी, जो तीन पूरा का पूरा सिग्नलिंग पाथवे पड़ा उसमें कहीं भी इस टाइप की सिग्नलिंग नहीं थी, इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग। अब ये जो यहाँ बाइंडिंग हो रहा है वो किसी जंक्शंस की वजह से भी हो सकता है, अगर जंक्शंस की वजह से होता है तो सेल कुछ ऐसे दिखेंगे आपको, ये से पहला सेल, ये दूसरा सेल, और ये जिस जंक्शन से कनेक्टेड होंगे वो कुछ ऐसा होगा, बीच में एक जंक्शन यानी एक रास्ता होगा जो इस सेल के मटेरियल को इस सेल में ट्रैवल करवाने का काम करेगा। तो इसको हम बोलते हैं जक्स्ट्रा क्राइन सिग्नलिंग, जिसमें दो सेल डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आते हैं सिग्नलिंग के लिए। एग्जाम्पल की अगर बात करती हूँ तो डेल्टा नॉच पाथवे जो होता है, डेल्टा नॉच पाथवे, ये एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है जक्स्ट्रा क्राइन सिग्नलिंग का। डेल्टा नॉच पाथवे का मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी में देखेंगे, क्योंकि डेल्टा नॉच पाथवे मैक्सिमम डेवलपमेंटल प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होता है, चाहे वो डेवलपमेंट प्रोसेस अब किसी एनिमल में हो रहा हो या फिर टिश्यू लेवल पे या सेल लेवल पे चल रहा हो, डेल्टा नॉच पाथवे मैक्सिमम वहां पे देखा जाता है। ठीक है, जी, इज दिस क्लियर? बताइए। तो अगर मैं इसको एक स्लाइड में समराइज करना चाहूँ तो मैंने आपको ये कहा है, दैट इज टाइप ऑफ सिग्नलिंग के बारे में हम बात करते हैं। तो टाइप कौन कौन सा हो गया, पहला टाइप हो गया दैट इज योर ऑटोक्राइन, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो दैट इज पैराक्राइन, पैराक्राइन सिग्नलिंग। नेक्स्ट हो गया आपका एंडोक्राइन, एंड द लास्ट इज जक्स्ट्राक्राइन। और फैक्टर की बात करें तो अब इसको मैं फैक्टर के सेंस में कहूं तो क्या बोलूंगी, इसको मैं कहूंगी इसमें कौन से फैक्टर इन्वॉल्व है, ऑटोक्राइन फैक्टर इन्वॉल्व है, राइट? ऑटोक्राइन फैक्टर कह दूंगी मैं, यहाँ पे क्या बोल दूंगी, पैराक्राइन फैक्टर कह दूंगी। ये मैं नाम इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये नाम यूज किए जाते हैं, अब बच्चों ने फैक्टर करके नहीं पढ़ा होता तो उनको लगता है पता नहीं क्या ही पूछ दिया। ये हो गया एंडोक्राइन फैक्टर, यानी हम फैक्टर वर्ड किसके लिए यूज कर रहे हैं, यहाँ पे तो फैक्टर नहीं होगा, जक्स्ट्राक्राइन सिचुएशन होता है, फैक्टर वर्ड हम यूज कर रहे हैं लिगन के लिए, यानी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के लिए यूज किया जा रहा है ये टर्म। निमावत, क्या आपको समझ में नहीं आया बताइए, ओके बताइए, मैं क्लियर कर दूंगी। अब मैं यहाँ पे अगर मैं पूरे सिग्नलिंग को एक ही प्रोसेस पे समझाना चाहूँ, यानी एक ही लेवल पे समझाना चाहूँ, तो ये है एक सेल, ठीक है, इस सेल ने क्या किया, इस सेल ने सिग्नलिंग जनरेट किया, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जनरेट किया, दिस इज अ लिगेंड, ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरा सेल भी प्रेजेंट था, चलिए इसको हम एक और कलर से ले लेते हैं, आप लोग मुझे बताएंगे कैसे कैसे कौन कौन सी सिग्नलिंग चल रही है। यहाँ पे एक और सेल प्रेजेंट है, दैट इज सेल टू, ठीक है, एक सेल जो है दैट इज यहाँ प्रेजेंट, और यहाँ एक रिसेप्टर है, इसके पास भी एक रिसेप्टर है, और इसके पास भी एक रिसेप्टर है। तो क्या होगा अगर नॉर्मल बेसिस पे कहा जाए, तो अगर ये सेल के पास जिस जो लिगेंड रिलीज हुआ है अगर वो यहीं पे काम कर रहा है तो ये कौन सा सिग्नलिंग कहलाएगा, कौन सा करवाएगा, ये करवाएगा, ये कौन सा पाथवे में शो कर रही हूँ, दैट इज ऑटोक्राइन, राइट? लेकिन अगर मैं सिर्फ इसकी बात करती हूँ इन दोनों के बीच में कौन सी सिग्नलिंग हो रही है, तो आप बोलोगे मैम इनके बीच में हो रही है पैराक्राइन, और अगर मैं इनकी बात कर रही हूँ दैट इज यहाँ से यहाँ तक की बात कर रही हूँ, तो मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ एंडोक्राइन, ठीक है। और अगर इन केस में कुछ सेल्स को यहाँ पे बना दूँ इस तरीके से,
जहाँ पे ये सेल्स अपने सेल सरफेस प्रोटीन से इंट्रैक्ट कर रहा है और ये सेल अपने सेल सरफेस प्रोटीन से इंट्रैक्ट कर रहा है, ये हो गया दैट इज़ सेल फोर। तो ये क्या कर रहे हैं, ये करवा रहे हैं आपका दैट इज जक्स्ट्रा कर रहे हैं। ये पूरा आपका समरी हो गया जो आपने आज लर्न किया है, दैट इज अ समरी, राइट। उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया होगा गाइस आप लोगों को। ओके ग्रेट, तो ये पूरा का पूरा बेसिक्स था। इसी बेसिक्स से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब फ्राइडे को करेंगे, ठीक है। टाइम यही रहेगा 2 PM एंड कुछ क्वेश्चन ओरिएंटेड कंसेप्ट भी हम गेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जी वहाँ पे साइनेप्टिक ट्रांसमिशन होता है नागेश्वरी, ओके ग्रेट। चलिए सो अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप में से कोई स्टूडेंट अगर अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो तो वो ज्वाइन कर सकता है। दिस इज़ माय प्रोफाइल, ज्योति कुमारी मेरा नाम है। आप प्रोफाइल को सर्च करके प्लेटफॉर्म पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड दिस इज़ अ कोर्स जो कि फिलहाल में रनिंग है, कंसेप्ट बिल्डर बैच कोर्स में मैं जो है जो पोर्शन कवर कर रही हूँ वो है सेल बायोलॉजी, ठीक है। सेल बायो कवर कर रही हूँ मैं एंड इस पर्टिकुलर बैच कोर्स में सेल सिग्नलिंग चल रहा है। नेक्स्ट मंथ से प्लांट फिजियोलॉजी में स्टार्ट कर दूंगी, दैट इज़ 1st of October से। एंड आई एम ऑलरेडी डन विथ इकोलॉजी, कवर हो चुका है, इवोल्यूशन पूरा हो चुका है, डेव बायो पूरा हो चुका है। इस मंथ के एंड तक सेल बायोलॉजी पूरा हो जाएगा, ठीक है, सेल बायोलॉजी पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ सेल सिग्नलिंग पूरा हो जाएगा एज वेल एज प्लांट शुरू हो जाएगा। तो मेरी तरफ से टोटल आपको 6 यूनिट जो हैं कंप्लीट करने का मौका मिल रहा है बाई जस्ट टेकिंग अ सिंगल सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ओके एंड दीज आर दी लिस्ट जो कि आप सब्सक्रिप्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये सारे के सारे पैकेजेस हैं, आप अपने डिमांड के अकॉर्डिंग 3 months, 6 months, 12 months का ले सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज़ दिस रेफरल कोड, यू कैन यूज़ आइदर ज्योति डैश कुमारी या फिर ज्योति फॉर गेटिंग द 10% डिस्काउंट ऑन योर प्लस सब्सक्रिप्शन। जी अलीना जी, PCR रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम नेक्स्ट मंथ कर लेंगे, ठीक है। जी PCR नेक्स्ट मंथ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट मंथ भी तो मेरी क्लासेस होंगी, तो वेट कर लीजिए, जो भी पोर्शन रह गया वो हम नेक्स्ट मंथ ले लेंगे। ओके ओके गाइस, तो फिर आपसे मिलते हैं फ्राइडे को, ठीक है। फ्राइडे को मिलेंगे प्रैक्टिस सेशन में, इससे रिलेटेड जितना भी पोर्शन मैंने पढ़ाया है उन पोर्शन से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगी, ठीक है। ओके बाय एवरीवन एंड हैव अ ग्रेट डे।